हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ओएमआर शीट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि आप थंबनेल भी देख पा रहे होंगे कि ओएमआर शीट के ऊपर आज मैं वीडियो लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है जो क्लास 10th और 12th के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे ओएमआर शीट सीबीएसई ने जारी कर दी है, उसका पीडीएफ भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, उसको देखा भी होगा, जो सैंपल ओएमआर यहाँ पे सीबीएसई ने जारी किया है। वैसी ओएमआर शीट आपके एग्जाम में एज इट इज आने वाली है, तो उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिखाया था, क्लास 12 सीबीएसई टर्म 1 के लिए 20 डेज की स्ट्रेटजी लेके आया था आप लोगों के लिए। 20 दिन में क्या कमाल कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे 97% मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं, वो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। और अब हम यहाँ पे सीधे ओएमआर शीट पर चलने वाले हैं और सीधा ओएमआर शीट में एक एक स्टेप को देखने वाले हैं कि कैसे हमें उसको फिल करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक भी गलती आपको दोस्तों 40 out of 40 लाने के सपने से दूर कर सकती है। तो दोस्तों आ जाओ फटाफट से और अब देखेंगे ओएमआर के सारे स्टेप्स को और चेकआउट करेंगे कि हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से यहाँ पे एक एक चीज को देखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक सैंपल ओएमआर है, इसको हम चेकआउट करेंगे, इसके एक एक स्टेप को देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग आ जाओ और इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों आइए ओएमआर शीट की तरफ। दोस्तों अब हम ओएमआर शीट के अंदर देखने वाले हैं, आपके सामने ओएमआर शीट है जो की सीबीएसई ने यहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट करी है, पीडीएफ उसका प्रोवाइड कराया है आप लोगों के। यही ओएमआर शीट जो है एग्जाम में आने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, उसके बाद आंसर शीट है, उत्तर पत्रिका है और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए यही ओएमआर यूज होगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर, अनुक्रमांक यहाँ पे है जैसा कि आप पहले स्टेप में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अपना जो भी रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में होगा उसको फिल करना है, मैं एक एक स्टेप को बता रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे अंक में एवं शब्दों में आपको लिखना है, इन डिजिट्स एंड वर्ड्स के अंदर आपको अपने रोल नंबर को यहाँ पे मेंशन करना है सेकंड वाले कॉलम में, ठीक है दोस्तों। आगे हम बातचीत करें अगर, तो परीक्षा का दिन एवं तिथि आपको यहाँ पे लिखनी है। परीक्षा का दिन क्या है वो आपको चेकआउट करना है कि परीक्षा का दिन है, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन को चेकआउट करना है। जैसे आपका मान लीजिए 4th of December को मैथमेटिक्स का पेपर है तो आपको 4 दिसंबर लिखना है और साथ में उस टाइम कौन सा डे था उसको चेकआउट करना है। तो ये थर्ड कॉलम में आपको इसको फिल करना है। एक एक स्टेप आपको मैं समझा रहा हूं, एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं। आगे आपको लिखना है दोस्तों सेंटर नंबर क्या है। मान लीजिए आप केवी से आते हैं या किसी और स्कूल से आते हैं तो आपको क्या चेकआउट करना है कि आपका यहाँ पे सेंटर क्या है, सेंटर का जो नंबर है वो क्या है, केंद्र संख्या क्या है और नाम क्या है उस सेंटर का, वो आपको इसके अंदर फिल करना है, जो कि आपको सीबीएसई ने बोला है कि प्री फिल्ड यहां पे मिलेगा। आपको पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन फिल करी हुई होगी, बस आपको एक एक इंफॉर्मेशन को क्या करना है दोस्तों, चेकआउट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा सब्जेक्ट कोड एंड नेम आपको लिखना है, क्या सब्जेक्ट है आपका, मैथमेटिक्स है, उसका कोड क्या है, 041 है, 042 है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाइए पिता का नाम और अभ्यर्थी, सबसे उसके पहले कैंडिडेट्स नेम होगा, देन फादर्स नेम होगा, देन आपको यहाँ पे स्कूल का कोड और नेम भी लिखना होगा। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वेरीफाई करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी आपको स्कूल प्री फिल्ड करके देगा, सब कुछ वहां पे प्रिंटेड होगा, बस आपको वेरीफाई करके ओके करना है और सारा काम खत्म। तो ये है दोस्तों पहला, यहाँ पे सारा पहला इंफॉर्मेशन जिसके अंदर सारी चीजें आपकी जो भी डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, सारी उसमें फिल्ड होगी, आपका नाम, पिताजी का नाम, स्कूल कोड एंड ऑल, परीक्षा का दिन एवं तिथि मतलब डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एक एक चीज यहाँ पे मेंशन होगी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड में आपको कुछ नहीं फिल करना है, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड जो होगा वो आपको ऑलरेडी फिल मिलेगा, आपको केवल उसको देखना है और वेरीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है वो है रॉन्ग मेथड और करेक्ट मेथड के बारे में बातचीत हुई है, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया है। इसमें रॉन्ग मेथड में दोस्तों जब भी आप देखेंगे तो देखेंगे ना तो उसमें आप टिक मार्क करेंगे गोले में, ना ही आप उसमें क्रॉस मार्क करेंगे, ना ही आप यहां पे क्या करेंगे दोस्तों आधा गोला भरेंगे, पूरा आपको फिल करना है और हमेशा जो गोला है उसके सर्कमफेरेंस से आपको जाना है अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ आपको जाना है, सर्कमफेरेंस से सेंटर की तरफ जाना है, जैसा कि ओएमआर में आप देख पा रहे हैं। तो जब भी आप गोला भरेंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, सर्कमफेरेंस पे पहले गोला बना लेना है, उसके बाद अंदर की तरफ जाना है ताकि आपके गोले में कोई भी गलती ना हो। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम बातचीत करेंगे तो क्रॉस कहां लगाना है, आधा आधा गोला नहीं चलेगा, क्रॉस नहीं चलेगा, ये सारे रॉन्ग मेथड्स है। राइट क्या है, सारे गोले आपको भरने हैं, एबीसीडी में सारे गोले आपको फिल करने हैं, एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूं। और उसके बाद यहां पे है दोस्तों
यहाँ पे अधीक्षक की मोहर, जो भी सेंट्रल सुप्रिंटेंडेंट होगा आपका, जो सेंट्रल सुप्रिंटेंडेंट यहाँ पे सीबीएसई यहाँ पे अलाउ करेगा, वो अधीक्षक की मोहर यहाँ पे लगेगी, उसका सील यहाँ पे लगाया जाएगा। इसको आपको नहीं छेड़ना है, पहली काम करना है पहले सारे कॉलम्स वेरीफाई करने हैं, क्वेश्चन पेपर कोड को वेरीफाई करना है, देन यहाँ पे रॉन्ग मेथड और करेक्ट मेथड को चेकआउट करना है। और आपको ध्यान रखना है, रॉन्ग मेथड के लिए बार बार मैं बताता हूँ आपको कि आपको गोला जो है वो बहुत ढंग से भरना है। आगे चेकआउट करते हैं दोस्तों, आगे जो है सेकंड नंबर पे अगर हम बातचीत करेंगे तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस हैं जहां पे हम इसको मार्क करने वाले हैं। जैसा कि आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन से लगा के 60 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं, एक से लगा के 60 तक ऑप्शन है। अब देखो दोस्तों, साइंस में हो सकता है या फिजिक्स में केमिस्ट्री में यहाँ पे हो सकता है आपको ज्यादा क्वेश्चन मिले, या क्लास 10 साइंस में 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से 60 गोले यहाँ पे दिए हुए हैं 60 क्वेश्चन मार्क करने के लिए। इसके अंदर बच्चों को बहुत सारा डाउट आ रहा है, एक छोटे छोटे शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए, उत्तर का बॉक्स लिखें और डार्कन ओनली वन सर्कल फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में भी आंसर लिखना है। तो ये ओमार दोस्तों बिल्कुल नया है सभी लोगों के लिए, इससे पहले ऐसा ओमार नहीं आया, लेकिन ये बच्चों के लिए बनाया गया ओमार है ताकि उनकी गलतियां सबसे कम हो, चाहे वो मैनुअल चेक हो चाहे वो ओमार यहाँ पे मशीन में चेक हो, लेकिन उनकी गलतियां बिल्कुल कम हो जाए, इसीलिए सीबीएसई ने ये ऑप्शंस दिए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, उसमें एबीसीडी चार रिस्पॉन्स दिए हुए हैं, उन रिस्पॉन्स में से एक करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, गोला करना है। जैसे कि मैं आपको गोला करके दिखाता हूं, मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, डी है, क्या है, डी ऑप्शन है, मैंने डी को गोला किया, सबसे पहले मैंने सर्कमफेरेंस पे लिखा और यहाँ पे गोला कर दिया, और देखो बिल्कुल मेरा गोला एकदम सही है, एकदम मैंने गोले को बना दिया, ऐसे आपको डी ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स, ये जो स्टार लगा हुआ है स्टार के लिए नीचे क्या लिखा हुआ है, राइट करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो स्टार वाला कॉलम है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को लिखना है, मतलब जो आपका डी ऑप्शन है वो इस कॉलम में आएगा, तो आपको डी इस तरीके से मेंशन भी कर देना है ताकि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे आपका करेक्ट मार्क जो है वो यहाँ पे आ जाए, डी जो है वो करेक्ट हो जाए। तो दो तरीके हैं, पहले गोला किया, देन हमने करेक्ट ऑप्शन को भी लिख दिया, मतलब डी ऑप्शन भी लिख दिया। उसके बाद आते हैं आगे, तो ये जो आपको जो भी हैश लिखे हुए, जो भी यहाँ पे गोले दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 से लगा के 60 तक जो भी गोले आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वो सारे के सारे गोले जो है उसमें लिखा हुआ है डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, यहाँ पे गोला कर दूंगा। और ऐसे हो सकते हैं 10 क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए 50 क्वेश्चन का मैथमेटिक्स के अंदर पेपर आता है, तो उसमें से केवल आपके कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो उन 10 क्वेश्चन को काउंट करने में भी आपको आसानी होगी कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, और 10 के 10 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 जितने भी 60 तक 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, आपको ये भी पता लग जाएगा क्या मैंने 40 क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये एक और आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज यहाँ पे सीबीएसई ने दी है। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, कोई टाइम कंज्यूम नहीं होगा यार, आप जब गोला भरते हो तो डी लिखने में तो आपको मेरे हिसाब से बहुत ही कम टाइम में आप डी को लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस टाइम मैनेजमेंट करके चलना। 20 मिनट्स आपको पहले मिलेंगे पूरी ओमार को चेकआउट करना, पेपर चेकआउट करने के लिए भी 20 मिनट्स पहले 15 मिनट मिलते थे, अब 20 मिनट आपको मिल रहे हैं, तो डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। तो ये पूरा कॉलम मैंने आपको समझा दिया, इधर क्वेश्चन नंबर मार्क होंगे, बीच में रिस्पॉन्स होगा एबीसीडी, जो गोला आपको भरना, और गोला पूरा अच्छे से भरना चाहिए। फिर यहाँ पे स्टार वाले कॉलम के अंदर आपको क्या लिखना है, स्टार वाले कॉलम में आपको करेक्ट आंसर लिखना है, जो भी आपने गोला मार्क किया है वो आपको लिखना है, और 1 2 3 4 5 6 लगा के 60 तक जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें वो क्वेश्चन आएंगे जो दोस्तों आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को इधर गोला करना है आपको, ताकि वहां पे जो भी आपकी ओमार शीट को चेक करे उसको पता लग जाए कि इस बच्चे ने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ताकि वो वेरीफाई भी कर सके कि केस स्टडी में से 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं या नो किए हैं, अगर नो होंगे तो एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, 8 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है जो नीचे जो ऑप्शंस हैं दोस्तों वो भी चेकआउट कर लेते हैं। आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबाउट आर करेक्ट, आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी कि मैं ही वो स्टूडेंट हूं जो ये पेपर दे रहा है, और अपनी राइटिंग के अंदर आपको लिख के और यहाँ पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे, यहाँ पे लिखे हुए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और चलते हाथ से लिखे, मतलब हो गया कि इन रनिंग हैंड आपको लिखना है, कैंडिडेट सिग्नेचर आपको करना है, आपका राइट हैंड है तो राइट हैंड से लिखना है, और अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से लिखना है। अगर कोई बच्चा संदिग्ध पाया गया तो उसकी राइटिंग को मैच करवाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आजकल जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पे सीबीएसई ने ये कॉलम दिया है ताकि उसका कंफर्मेशन ले सके, उसकी यहाँ पे राइटिंग ले सके, ताकि वो अच्छे से इस बात को समझा पाए कि ये वही बच्चा है
जिस बच्चे ने यहाँ पे 10th क्लास का फॉर्म भरा है। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास 10th और 12th में यही ओमार आपका यूज आने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल करेक्ट आंसर, टोटल करेक्ट आंसर दो दो कॉलम बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दो कॉलम में दिया हुआ है, यहाँ पे इवेल्युएटर लिखेगा, ये जो भी इस ओमार को चेक करेगा वो दो दो बार वेरीफाई करेगा। पहले इवेल्युएटर चेक करेगा जो कि इसको चेक करके बताएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेटर चेक करेगा जो भी इस एग्जाम को चेक करेगा। तो इस सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं फिल करना है, ये जो भी इस ओमार को चेक करेगा वो इसके अंदर ऑथोरिटी है, वही इसके अंदर आपके करेक्ट आंसर को लिखने वाला है। उसके बाद आगे हम बातचीत करेंगे, ये लिखा हुआ इवेल्युएटर सिग्नेचर, इवेल्युएटर कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर, मतलब चार लोगों से वेरीफाई करवाया है सीबीएसई ने इस बार। तो चार लोगों से वेरिफिकेशन होने के बाद मेरे को नहीं लगता कि यहां पे आपके कोई भी, यहां पे मैं बात करूं तो एरर होगा या ओएमआर में काउंटिंग में प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन गलत रॉन्ग यहां पे ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल यहां पे मैनुअल प्रोसेस है और मैनुअल प्रोसेस से पूरे चार लोग एक बार इवेल्युएटर सिग्नेचर कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी अपना लिखेगा वो, कि वो कौन सी आइडेंटिटी रखता है, कौन सी डेजिग्नेशन पे, उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे सीबीएसई प्रोवाइड करेगा, उसके सिग्नेचर बकायदा यहाँ पे होंगे और यहाँ पे वो यहाँ पे चेक करके बताएगा कि टोटल करेक्ट आंसर क्या है। और टोटल करेक्ट आंसर दो दो बार चेक होंगे और दोनों वेरीफाई होने के बाद आपके नंबर जो है वो वेबसाइट पे दिए जाएंगे, ताकि आपका रिजल्ट जो है दिसंबर एंड में आएगा तो आपको एकदम करेक्ट रिजल्ट मिले। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि मैंने यहाँ पे ओमार सही भरा था, क्या पता उन्होंने मेरा गलत से ले लिया होगा। तो ये ऑप्शन भी अब दोस्तों खत्म हो गया है, चार जने इसको चेक करने वाले हैं। तो ये है दोस्तों पूरा ओमार, आपको मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सबसे इंपॉर्टेंट है एक एक स्टेप को देख लेना, जो भी कंफ्यूजन है आपका वो सारा का सारा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या आपको वीडियो के लिंक के अंदर इसका पीडीएफ मिल सकता है। तो इसको चेक कर लो आप और देख लो एक बार, ऊपर से लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसी का मैं फटाफट से पूरा वीडियो जो है, बच्चे चाहते थे कि सारा एक बार आप स्टेप बाय स्टेप बता दें, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये रहा आपका सारा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और जिसको भी ओएमआर में कंफ्यूजन है कमेंट करके बता देना, टीम आपको रिवर्ट कर देगी। थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा ओएमआर का पैटर्न, एक एक स्टेप करके मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको अपनी प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, कैसे आपको गोले भरने हैं, क्या क्या चीजें हैं, स्टार क्या है, हैश क्या है वहां पे, और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आएगा, कौन कौन सी चीजों को आपको देखना है, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और अगर आप इस ओएमआर का पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर भी इसको शेयर कर दूंगा और साथ में इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ओएमआर शीट कैसे भरे आज के बाद आपका जरूर से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।